बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के इतिहास में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार ने आज रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे तेलंगाना सरकार के रोड को राष्ट्रीय महामार्ग में रूपांतरित करके उसके कार्य को शुरू करने के लिए आज 43,000 करोड़ रुपीज का पैकेज दिया। इसमें से दो महत्वपूर्ण रोड है, हैदराबाद से बेंगलोर तक और हैदराबाद से विजयवाड़ा तक दो एक्सप्रेस हाईवे भी निर्माण करने का हमने संकल्प किया है। आज यहां की राज्य सरकार ने जो जो रोड्स राष्ट्रीय महामार्ग में रूपांतरित करने की मांग की थी उसको हमने पूरा किया है। मेरा विश्वास है कि तेलंगाना के विकास में निश्चित रूप से भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और तेलंगाना के विशेष रूप से राष्ट्रीय महामार्ग का विकास होने के बाद तेलंगाना के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। कुछ दिन पहले मैं विजयवाड़ा आया था और आंध्र प्रदेश की सरकार को भी हमने उस समय 65,000 करोड़ रुपए उस समय विकास के लिए दिए। अगर दोनों के टोटल की जाए तो यूपीए के 10 साल में कभी उस समय के आंध्र प्रदेश को ना तेलंगाना में कुछ रोड मिले ना आंध्र में कुछ रोड मिले। पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1,00,000 करोड़ से ज्यादा हमारे रोड प्रोजेक्ट आज मंजूर किए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए। इसका कारण यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का विकास होना चाहिए। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। जो नेता चुनकर आए, जो गरीबों के नाम पर चुनकर आए, उन्होंने नाम गरीबों का लिया पर देश को लूटने का काम किया। आपको कल की घटना पता है, लगातार पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं और पाकिस्तान को इस बात का पता चला कि हम लड़ाई में हिंदुस्तान को नहीं हरा सकते तो इस देश में आतंकवादियों को लाकर निरपराध लोगों की हत्याएं करके या हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा लगाकर हमारे देश को फिर से एक बार लड़ाई के कगार पर खड़ा करने का प्लान पाकिस्तान ने बनाया है। पाकिस्तान भी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से लड़ रहा है। हम दोस्ती करना चाहते हैं पर दोस्ती करना चाहते इसका मतलब हम कमजोर नहीं है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेकर हमारे देश में इसी प्रकार की घटनाएं करता रहेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये भी बात हमने उनको समझाई।